टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में मैं अरुण भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये भाई साहब वैसे तो हमारे दिल्ली के ही हैं, लाजपत नगर हमारे यहां से 25-30 किलोमीटर दूर पड़ता है। इन्होंने हमारी वहां वीडियो देखी और इनका कहना था कि अरुण जी यहां मैं और मेरे पिताजी वगैरह यहां रहते हैं लाजपत नगर में, जैसे हमारा गांव कानपुर में है। तो भाई साहब हमारी वीडियो वगैरह देख के थोड़ा इम्प्रेस हुए कि अरुण जी आपकी क्वालिटी में दम लग रहा है। वैसे मेरे पिताजी मना कर रहे हैं कि यार आप लोकल ही वहीं से ले लो, कानपुर से ले लेंगे आरओ वगैरह, पता नहीं हर बंदा अपनी चीज को बढ़िया ही बोलता है। लेकिन मेरे को ये था कि मेरे को टच था कि अरुण जी की चीज जो है बढ़िया मिलने वाली है, इसलिए मैं पापा के अगेंस्ट आके मैं उन्हें प्रूफ करना चाहता हूँ कि अरुण जी से जो चीज बनवा के लेके आया वो नंबर वन क्वालिटी की है। दूसरी बात यह है सेम ये क्वालिटी अगर ब्रांडेड पे लेते हैं 14-15 हजार रुपए की मिलने वाली थी, मैंने पैसा भी बचाया और चीज भी बढ़िया लेके आया। तो भाई साहब आए हैं हमारे पास यूपी से, तो भाई साहब हम थोड़ी बात करेंगे, तो जरा हमें बताइए आपने कैसे हमारे से संपर्क किया, जरा कैमरा में बताइए। और भाई साहब ने ये मॉडल पसंद किया है जो सदाबहार कैबिनेट रहती है, ठीक है हर बंदे का अपने जैसा बजट था, लेकिन फिर भी भाई साहब ने अच्छा पैसा दिया क्योंकि क्वालिटी दे रहे हैं। और क्वालिटी अगर भाई साहब पैसा दे रहे हैं तो हम भाई साहब को क्वालिटी नंबर वन दे रहे हैं। जैसा आप हमारे रेगुलर व्यूअर है, हमारी वीडियो देखते रहते हैं, उसमें दिखाते हैं हम आपको कि क्या चीज हम आपको बना के देते रहते हैं, क्या ब्रांड के पार्ट्स वगैरह लगाते हैं। तो ये भाई साहब ने कैबिनेट सेलेक्ट की और अपने सामने ये संभल करवाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं सर, आप बैठिए एक घंटे में आपके सामने आपको आरा संभल करके देंगे। तो जरा बताइए आपने हमारे संपर्क कैसे किया था। मैं काफी दिन से लेने के लिए मैं सोच रहा था, मैं एक दो दुकान में गया देखा भी, तो वहाँ पे मुझे प्राइस भी कुछ ज्यादा लग रही थी और चीज मुझे मतलब पसंद भी आ रही थी। फिर मुझे डाउट आया कि जो मार्केट वगैरह में जो ऑनलाइन वगैरह जो बिकते हैं वहाँ पे सामने से देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन अंदर का कुछ और भी लगा। सारी चीजें हमने क्लियर की कि क्या कहाँ किस किस चीज में फिल्टर में फर्क होता है, यूएफ में क्या फर्क होता है और ओरिजिनल में और डुप्लीकेट में क्या फर्क होता है, सारी चीजें दिखाई है सर को। दिखाई मुझे पसंद भी आया। और वही दूसरी चीज कि मैंने इनको यूट्यूब पे मैंने देखा, कई जगह इन्होंने लगाए और जो कस्टमर जो इनके हैं काफी मतलब खुश भी हुए, तो मुझे इनका ये सारा चीज देख मुझे अच्छा लगा। अभी मैं यहाँ पे इनके संपर्क अपने पिताजी से रिस्क लिए सर ने कि मैं अरुण जी से बनवा के ले जाने वाला हूँ। पिताजी ये आ भी रहे थे ना, तो रास्ते में सर ने मना कर रहे थे कि अरे यार तुम कहाँ अरुण जी के पास जा रहे हो, यूट्यूबर के पास पता नहीं क्या क्वालिटी देंगे, लेकिन इन्होंने कहा मैं अरुण जी से लूंगा। ये सारे मॉडल्स हमने दिखाए, इन्होंने अपने पिताजी को दिखाए कि आप ये देख लीजिए मुझे कौन सा मॉडल बनवाना है। तो लेकिन सर ने बोला कि पिताजी ने बोला कि यही वाला वाटर प्यूरिफायर बनवाओ, तो ये आरओ असेंबल किया जा रहा है, जब पूरा असेंबल होगा तो आपको दिखाएंगे यहाँ भी कैसी इसकी लुक आई है। और अभी तो इसका लिपस्टिक पाउडर वगैरह सारा होना है, पहले इसे असेंबल किया जाएगा उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं भाई साहब तबीयत का आरओ बना के दे रहे हैं हमारे इंजीनियर जो है, इनके हाथ ऐसे चलते हैं जैसे फराटेदार जैसे बोलते हैं ना, इनका हाथ आरओ पे ऐसे सेट रहता है कि इनके पास बस पार्ट्स होने चाहिए और आधे घंटे में आपको आरओ जी आपके हैंड ओवर कर देंगे। पूरी सभी चीज़ें इन्हें पता है कि कहाँ कौन सी चीज़ सेट आनी है। सबसे बड़ी बात है कि आरओ असेंबल तो हो जाता है, लेकिन आरओ असेंबलिंग करते समय कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि पाइपिंग जो है ज़्यादा फैली हुई नहीं होनी चाहिए, एक सफाई से आरओ बनना चाहिए, ये चीज़ भी मायने रखती है। क्योंकि हमने बहुत जगह ऐसे देखा है कि कुछ बंदे आरओ असेंबल करते हैं, पाइपिंग बहुत फैली रहती है और वो देखने में बहुत बेकार सी लगती है। तो पूरा यही कोशिश रहती है कि कम से कम पाइप यूज़ हो और पाइपिंग एक अच्छे से मतलब पूरी सेट कर रखी हो। दूसरी बात लीकेज कोई नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात आ जाती है। चलो ठीक है, पाइपिंग भी आपने भले फैला रखी है जो कुछ भी किया, लीकेज नहीं आनी चाहिए और पाइप आवाज़ नहीं करना चाहिए बूस्टर पंप के साथ। तो ये सारी चीज़ें कुछ हिडन रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है जब आरओ असेंबल किया जाता है तो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये सारा इन टेक्नीशियंस वगैरह को जो हमने ट्रेनिंग दी, और दूसरी बात यह कि अब अनुभव इनको इतना हो गया कि भाई नहीं अब पता है कि कौन सी चीज़ कैसे सेट करनी है। अब मेम्ब्रेन जो है इनके हमने एक निकले लगवाई थी मेम्ब्रेन, हमारे टेक्नीशियन जो है इन्होंने डाल दी थी, लेकिन TDS का जब पता चला तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं आप वो मेम्ब्रेन हटा दीजिए, आप ये मेम्ब्रेन लीजिए। सर ने कहा था अरुण जी जो बेस्ट चीज़ें हैं सभी बेस्ट से बेस्ट लगा के दीजिए, क्योंकि आपको तो पता है कि हम पिताजी के अगेंस्ट आए हैं और ये ना हो कि पिताजी से हमें बातें सुनने पड़े और पता चले कि यार हम तुम्हें मना कर रहे थे कि वहाँ से मत लो और फिर भी आप अरुण जी से लेके आए, क्योंकि यारो जो जाना है ये हमारा गोरखपुर, आई थिंक गोरखपुर जाना था। तो ये पूरा इसका मेकअप वगैरह किया जा रहा है और अच्छे से पैक करके दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको भी यही कहेंगे,
आप भी गोल्डन चांस मिस मत कीजिए, अरुण जी से बात कीजिए, बढ़िया वाटर प्योरीफायर मिलेगा। सोचिए मत, सोचने से बात नहीं चलेगी, संपर्क तो करना पड़ेगा, एक कदम तो आपको उठाना पड़ेगा और हिम्मत करनी पड़ेगी। भाई कमेंट कर लीजिए या नंबर वगैरह ले लीजिए, नंबर वगैरह मिल जाएंगे आपको हमारे। पूरा अच्छे से पैक करके दिया जाएगा और भाई साहब अपने साथ एक बैग भी लेके आए हैं और पूरा टेपिंग वगैरह की जा रही है। एक बेनिफिट ये हुआ कि इनका ये जो आरओ है, ये जो बैग साथ में लेके आए हैं, उस बैग में बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आया है, जिसे बोलते हैं। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा जो है ये नाप तोल के लेके आए हैं कि डब्बे हमारा आरओ का जो बॉक्स होगा वो इस बैग के अकॉर्डिंग पूरा फिट रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।